हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 13 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस के कुछ चैप्टर्स पे वीडियोस अपलोड है, यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आपको मुझे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, तो वीडियोज को भी जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, सोशल साइंस पे वीडियोज अपलोड है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इंग्लिश रीडर पर वीडियो अपलोड। ओके, चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक आता है वीदर। चैप्टर का नाम ही है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। वेदर होता क्या है? देखिए, वेदर क्या होता है कि हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी हम लोग रहेंगे वहाँ पर हम लोग वेदर के बारे में सोचेंगे। जब हम लोग सुबह जागते हैं, सुबह हम लोग सो के उठते हैं, तो वेदर ही एक ऐसा पहला चीज़ है जिस पर हम लोग सबसे पहले ध्यान जाता है, वही हम लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। यदि वो कोल्ड का समय रहेगा, ठंडा रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा, विंटर का टाइम रहेगा, तो हम लोग स्वेटर को पहनेंगे। यदि वो हॉट और सनी डे रहेगा तो हम लोग हल्के कॉटन क्लोथ्स को पहनेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा स्वेट ना आए। ओके, समर का टाइम है तो हम लोग ब्लैक कपड़े को नहीं पहनेंगे, वाइट कपड़े को पहनने की ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हुए वो रिफ्लेक्ट कर दे। ओके, इसके साथ साथ हम लोग शायद क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में आप लोग वेदर फॉरकास्ट को देखते हैं कि आज का वेदर कैसा है, सनी डे रहेगा, कोल्ड रहेगा, क्या टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इंटरनेट में भी आपको ये चीज़ मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं। इन केस यदि आपको कहीं पिकनिक में जाना रहता है, आप ही सोचिए, आप कहीं पिकनिक में जाते हैं या फिर हॉलीडे ब्रेक में जाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले नोटिस क्या करते हैं? यदि आपको कल पिकनिक में जाना है तो आप लोग कल का वेदर देखिएगा कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है, ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी ना, ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ेगी ना, इन सभी चीज़ों को आप लोग देखते हैं। तो वेदर का मतलब होता क्या है? देखिए, वेदर का मतलब होता है कि वेदर जो है ये एटमोसफियर का एक ऐसा स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में। और वेदर के पास क्या है ना कि कुछ अच्छे वेल डिफाइंड टर्म और एलिमेंट्स भी होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या है आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, तो पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या है? तो एलिमेंट है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमोसफियरिक प्रेशर। ये जो कंडीशंस होते हैं इसे मेट्रोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मेट्रोलॉजी क्या है? तो मेट्रोलॉजी वेदर को समझने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग को समझने के लिए साइंस का एक फील्ड आप बोल सकते हैं। ओके, चलिए, मेट्रोलॉजिस्ट जो कि वेदर को स्टडी करते हैं, मौसम बोल सकते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो वो इन एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी रीजन के, किसी भी डे के, वो जो है इस सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब वेदर इन्फॉर्मेशन की यही सब कुछ रिकॉर्डिंग जो है ये उस रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में हमारा हेल्प करते हैं। तो क्या क्या वेदर एलिमेंट्स है ये हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब समझते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है जो कि एक गिवन प्लेस के वेदर को हम लोगों को बताते हैं कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनाइननेस और प्रेसिपिटेशन और उसके साथ साथ विंड, ठीक है, और एटमोस्फेरिक प्रेशर, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ये हॉटनेस और कोल्डनेस के डिग्री का इंडिकेटर है। ठीक है, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, ये उसके डिग्री का इंडिकेटर है। एयर में एयर कितना हॉट है, कितना हॉट हवा चल रहा है, कितना कोल्ड हवा चल रहा है, तो ये उसका इंडिकेटर है। अर्थ के एवरेज पे भी देखा जाए तो सी लेवल पे एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, लेकिन ये लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीजन और डे के, यदि शाम का मौसम है तो टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ेगा, सुबह का, दोपहर का टाइम है तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, शाम का टाइम है टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, तो ये सब क्या है कि डे के टाइम से भी अफेक्टेड होता है। जैसा टाइम रहेगा, मतलब जितना बजेगा उस हिसाब से ये सब चीज़ें, मतलब वेदर होता है। ठीक है, इसका रेंज हम लोग देख लेते हैं। तो हाई इसका रेंज होता है 58 डिग्री सेल्सियस और रिकॉर्डेड लो जो है, रिकॉर्ड है एक तरह का, -88 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गिवन डे में क्या होता है कि बाद में इसमें सबसे गर्म का टाइम क्या रहता है, इसमें गर्मी कब रहती है? जब मिड आफ्टरनून होता है, जब दोपहर का टाइम होता है, और सनराइज से जस्ट पहले क्या होता है कि कोल्डेस्ट होता है, हल्का हल्का हम लोग को ठंडा भी लगता है। तो टाइम से पूरा फैक्टर होता है वेदर, टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग देते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो क्या है, तो ह्यूमिडिटी
एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसके अमाउंट का मीजर है, ठीक है, मतलब जितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसका मीजर है ह्यूमिडिटी। जो मेन मोस्ट कॉमन मीजर ह्यूमिडिटी का वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के इक्वल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में एक्चुअली प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम लोग देते हैं क्लाउडीनेस। मोस्ट क्लाउड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्यू टू द कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेज अप। देखिए, बहुत से क्लाउड जो है ये एयर के कूलिंग के कारण प्रोड्यूस होते हैं जो कि राइज अप करते हैं। जब एयर का टेम्परेचर रिड्यूस करता है मतलब घटता है, तो जो एक्सेस वाटर वेपर होते हैं एयर में ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स में कंडेंस हो जाते हैं क्लाउड्स और फॉग को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फॉग वैसे क्लाउड्स होते हैं जो कि ग्राउंड्स को टच करते हैं। डेंस फॉग में क्या होता है, विजिबिलिटी रेंज जो है ये 50 मीटर से के आसपास रहता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन तब प्रोड्यूस होता है जब ड्रॉपलेट्स और आइस के क्रिस्टल्स क्लाउड्स में इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ग्राउंड पे गिरने लायक हो जाते हैं, मतलब जो वो ग्राउंड पे गिरने लगते हैं तब हम लोग उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो है ये वैरायटी ऑफ फॉर्म्स को ले सकता है, रेन भी होता है, ड्रिजल, स्नो हेल, आइस प्लेट्स, ओके, प्लेट्स और स्लिट विंड। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का इसे विंड कहा जाता है। इसे नेम कैसे किया जाता है, इसे नेम किया जाता है जिस डायरेक्शन से वो आता है, जिस डायरेक्शन से हवा चलती है उसे उस टाइप से इसका नेम किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक विंड, एक हवा जो है ये नॉर्थ की तरफ से आ रही है, नॉर्दर्न आ रही है, नॉर्थ की तरफ से आ रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न विंड। ज़्यादा प्लेसेस में क्या होता है, ग्राउंड के नियर में विंड जो है ये एवरेज 8 किलोमीटर प्रति घंटे के या फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से 24 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार के बीच में ही रहती है। हालांकि ये इंटेंस बहुत ज़्यादा जब स्ट्रोम चलता है ना, आंधी तूफान आती है उस समय ये बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। कभी कभी साइक्लोन्स चलता है, आप लोगों ने देखा है, सुना भी है साइक्लोन्स का स्पीड, कभी कभी कोई साइक्लोन्स का स्पीड होता है 170 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बढ़ता भी है घटता भी, ओके, लेकिन एक नॉर्मल एवरेज यदि देखा जाए तो 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए सभी वेदर सिस्टम में ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फोर्स है एयर के वेट के कारण, एयर के वेट के कारण जो फोर्स होता है उसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक गिवन सरफेस पे जो कि उस सरफेस से, सरफेस के एरिया से डिवाइडेड होता है। फॉलिंग प्रेशर जो है ये एक अप्रोचिंग स्ट्रोम को इंडिकेट्स करता है, और राइजिंग प्रेशर जो है ये क्लियर स्काइज को इंडिकेट्स करता है। देखिए स्टूडेंट, सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है। आप लोग इसलिए सारे टर्म्स को समझते जाइएगा, सारे एलिमेंट्स को समझते जाइएगा। ओके, क्लाइमेट, अब वेदर हमारा पूरा हुआ, अब हम लोग क्लाइमेट को देखते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर होता है एक पर्टिकुलर रीजन में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो वर्ड क्लाइमेट है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है क्लीमा, जो कि सन के इंक्लिनेशन को दर्शाता है, ठीक है। रेफर किसको करता है, तो सन के इंक्लिनेशन पे रेफर करता है। क्लाइमेट जो है वेदर की इक्वल नहीं है, मतलब क्लाइमेट जो है ये क्लाइमेट वेदर एक नहीं है, ये वेदर का एवरेज पैटर्न, एक पर्टिकुलर रीजन पे ये एवरेज का, ये वेदर का एक एवरेज पैटर्न है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर उतना रेन नहीं हुआ, साल भर में उतना रेन नहीं हुआ, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राई क्लाइमेट, वहाँ का ड्राई क्लाइमेट रहा। अब देखिए आसान भाषा में बोले तो एक प्लेस में यदि उतना रेन नहीं हुआ है तो हम लोग उसे सूखा क्लाइमेट बोलेंगे, ड्राई क्लाइमेट बोलेंगे। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर यूजली कोल्ड रहा, ठंडा रहा, पूरे साल जो है वो एक ठंडा जैसा क्लाइमेट रहा, तो हम लोग उसे बोलेंगे कोल्ड क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट जो है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी यूजफुल है, इसके साथ साथ ये फार्मर्स के लिए तो और भी यूजफुल है, क्योंकि फार्मर्स जो है ये इसे ध्यान में रखते हुए अपने क्रॉप्स को प्लांट करते हैं, एक बेस्ट टाइम वो खोज पाते हैं क्लाइमेट के कारण। ये यदि हम लोग वैकेशन के लिए प्लान करते हैं कि हाँ अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, अभी ठंडे की छुट्टी चल रही है, तो हम लोगों को इस प्लेस जाना है, ये प्लेस में जाना है वैकेशन बनाने के लिए, मतलब छुट्टियाँ इंजॉय करने के लिए, तो ये उसके लिए भी यूज़फुल है, ठीक है, हेल्पफुल है, हम लोग वैकेशन को प्लान कर पाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्लाइमेट जो है ये यूजुअली फैमिलियर वीदर के फैमिलियर एलिमेंट्स के रूप में
डिस्क्राइब किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये इसके दो एसेंशियल इंडिकेटर्स हैं, मतलब दो बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर्स हैं। जो अदर इम्पॉर्टेंट, जो दूसरे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं क्लाइमेट के, ये क्या क्या है, तो ये सनशाइन को इंक्लूड करते हैं, विंड को इंक्लूड करते हैं, क्लाउड कवर को इंक्लूड करते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करते हैं और ह्यूमिडिटी को इंक्लूड करते हैं। ओके, जब इन सभी एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली मेजर किया जाता है गिवन साइट पे बहुत सारी ईयर्स के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए, तो हम लोग एक्यूमलेट कर सकते हैं, भी हम लोग इवेंचुअली एक्यूमलेट कर सकते हैं एक रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशंस को, जिससे हम लोग उस रीजन के एक्यूरेट समरी को, मतलब हम लोग एक एक्यूरेट समरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा है उस रीजन का। ओके, तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो होता नहीं है, सेवरल ईयर्स का टाइम लगता है, थोड़ा साल इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, ज़्यादा साल चाहिए इसके लिए। अब देखते हैं कंपेयरिंग क्लाइमेट्स। जो क्लाइमेट होता है इंडिया का, इसे 4 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये क्या क्या है, तो एल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, एरिड जोन्स। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एल्पाइन जोन, ये जो क्लाइमेट जोन है, ये हिमालय के हाई एल्टीट्यूड्स में एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वहाँ पर महसूस किया जाता है, ठीक है। इस जोन में क्या होता है कि पूरे साल लगभग स्नो ही स्नो रहता है, बर्फ ही बर्फ रहता है पूरे साल। ये कौन सा जोन है, जो ये एल्पाइन जोन है। एक एक जोन आप लोग आसानी से पढ़िए स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ये जो जोन है ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रिवेलेंट है। ओके, मतलब ज़्यादातर ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रिवेलेंट है। यहाँ पर जो समर्स होते हैं ये हॉट होते हैं और वेट होते हैं। विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है हाइयर रेंजेस के रीजन्स में। ओके, जहाँ पर हाइयर रेंजेस होते हैं, ओके, बड़े बड़े रेंज होते हैं, माउंटेन्स आप बोल सकते हैं, वहाँ पर तो क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाता है। ओके, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी उससे कम भी हो जाता है, लेकिन एक एवरेज निकाला जाए तो उसके इक्वल आसपास रहता है। रेनफॉल जो है समर सीजन में क्वाइट होते हैं, जहाँ पर विंटर जो है ये कोल्ड और ड्राई होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए क्लाइमेट मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट मैप कैसा है। ग्रीन कलर ट्रॉपिकल वेट रहता है, यहाँ पर जो आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है ये ट्रॉपिकल वेट रहता है। अच्छा, लाइट ग्रीन जो है ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, वार्म समर है, और जो डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है ना ये ट्रॉपिकल वेट, मतलब केरल से आप ऊपर जो देख पा रहे हैं ये ट्रॉपिकल वेट है। ओके, इसके साथ साथ सेमी एरिड ऑफ स्लिप ह्यूमिड ट्रॉपिकल वार्म समर, मतलब कि स्ट्रिप का देखिए जो आपको पिंक टाइप कलर दिख रहा है ना, यहाँ पर सेमी एरिड होता है स्ट्रिप का। उसके साथ साथ एक और आप देख पा रहे ग्रे, ग्रे आपको दिख रहा है ना, वाइट डेजर्ट्स और एरिड जो आपको राजस्थान साइड दिख रहा है, सिर्फ डेजर्ट्स और एरिड हो गए, नेपाल इसको छोड़ देना, आप लोगों से इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। अब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। ट्रॉपिकल जोन को 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल वेट और ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन। ओके, ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन में क्या होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये नॉर्मली 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, 18 डिग्री सेल्सियस से ये नीचे नहीं गिरता है, ठीक है, और ये एवरेज टू हाई रेनफॉल की तरह एकम्पनी किया जाता है। ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन में क्या होता है, रेनफॉल जो है ये कॉमन नहीं है, रेनफॉल मतलब किसी से होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है, रेनफॉल इज नॉट सो कॉमन। एरिड जोन, हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल जो है ये 2 मार्क्ड फीचर्स है इस क्लाइमेटिक जोन के। ये वेस्टर्न कंट्री के वेस्टर्न पार्ट में प्रिवेलेंट होता है और राजस्थान के एक बहुत बड़े पार्ट को, लार्ज पार्ट को ये इंक्लूड करता है। जो टेम्परेचर होता है इस जोन में ये 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है समर के दौरान। अब हम लोगों का क्या क्या हो गया, वेदर पूरा हुआ, क्लाइमेट पूरा हुआ, अब एडेप्टेशन एंड क्लाइमेट देखते हैं। अब क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है रीजन का, ये सभी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म उस रीजन में रहते हैं, एक रीजन के क्लाइमेट, उस रीजन का क्लाइमेट जो है ये वहाँ पर रह रहे सारे ऑर्गेनिज्म के रहने को अफेक्ट करता है। जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं वो सारे अफेक्टेड होते हैं, उनके एनवायरनमेंट पे कांस्टेंट चेंजेस जब आते हैं तो क्या क्या चेंजेस होता है, फूड चेन में चेंज आता है, क्लाइमेट में चेंज आता है, तो इन सभी चेंज के कारण एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है इन सभी चीज़ों को,
कि हाँ वो इस टेम्परेचर में यदि रह रहे हैं और यदि कुछ थोड़ा भी चेंज आया है तो उन्हें जो है उस चीज़ से ढलना पड़ता है। मान लीजिए यदि किसी एनिमल्स का रहने का जो जगह है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यदि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है तो उसका वो किस पे ढला हुआ है, वो तो 18 डिग्री सेल्सियस पे ढला हुआ है ना, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस जब हो गया तो उसे उस पर अब ढलना पड़ेगा। नहीं ढलेगा तो क्या होगा, वो एक्सटिंक्शन को फेस कर सकता है। एक्सटिंक्शन सभी लोग जानते हैं, इंडेंजर्ड एक्सटिंक्शन। एडेप्टेशन जो है एक ऐसा ट्रेट है जो कि एनिमल को अपने इन्वायरमेंट के साथ सूट बनाता है, मतलब कि उसके इन्वायरमेंट में वो सूट कर पाएगा, जो इन्वायरमेंट उस पर वहाँ पर है उसके साथ उसे मिलना घुलना मिलना जो बोल सकते हैं वो है एडेप्टेशन। ये बिहेवियरल स्ट्रक्चर और ट्रेट हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, लार्ज ग्रुप्स में जब मूव करते हैं तो बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। ये प्रीडेटर्स से उस ग्रुप्स को बताता है, मतलब मेंबर उस ग्रुप के मेंबर्स को प्रीडेटर्स से बचाता है। ओके, पोलर बियर के जो थिक फर कोट होते हैं इसे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कहा जाता है। ये कोल्ड वेदर के अगेंस्ट में उसे प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ओके, तो एडेप्टेशन आपका समझ में आ गया। ये चेंजेस आते हैं तो एडेप्ट करना पड़ेगा एनिमल्स को, उस रीजन के साथ एडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि एडेप्टेशन जो है लॉन्ग पीरियड टाइम में होते हैं, ऐसा नहीं कि एक शॉर्ट पीरियड टाइम आज ये टेम्परेचर कर लिए टेम्परेचर एडेप्टेशन होगा, नहीं, एक लॉन्ग पीरियड टाइम में यदि ज़्यादा दिन तक ऐसा हो रहा है तो एडेप्टेशन होता है। अब हम लोग एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोलर रीजन्स में रहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, बस थोड़ा सा और है, बहुत ईजी चैप्टर स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स जो हैं ये पोल्स के सराउंडिंग में जो एरियाज होते हैं ये वैसे रीजन्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन्हें फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। ये जो अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ओके, नॉर्वे, रसिया, सिबेरियन रीजन, ये कुछ कंट्रीज है जिनके कुछ पार्ट जो है इस रीजन पे है। ये जो रीजन्स होते हैं ये बहुत ही ठंडे होते हैं, बहुत ही कोल्ड होते हैं। जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है अर्थ पे ये अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया था जो कि था -89 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही कम टेम्परेचर है। जो एवरेज विंटर टेम्परेचर है अर्कटिक में ये -30 डिग्री सेल्सियस होता है। विंटर में क्या होते हैं, जो अंटार्कटिका के अराउंड के जो सीज होते हैं, मतलब जो समुद्र होते हैं, ये फ्रीज कर जाते हैं, मतलब एक सॉलिड बर्फ बन जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है। और कितना बड़ा एरिया, तो जितना बड़ा कॉन्टिनेंट उसी के जितना एक बहुत बड़ा एरिया को ये कवर करता है। पोल्स में जो सन होते हैं ये शाइन करते हैं हाफ ऑफ द ईयर, और ये हाफ ईयर मतलब आधे साल ये साइन करते हैं तो आधे साल ये डार्क होते हैं। ओके, पोलर बियर, पेंगुइन, रेंडियर सील, वेल, बाजर्स, ये सब कुछ एनिमल्स जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जो भी एनिमल्स हैं इन सभी को आप लोगों को याद रखना है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पोलर रीजन्स के क्या क्या फीचर्स है, क्या होता है पोलर रीजन्स में, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी मैं आपको इजली समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ओके, अब हम लोग इस चीज़ को पाते हैं कि किस प्रकार से, अब हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से एनिमल्स जो है ऐसे रीजन्स में सरवाइव कर पाते हैं जहाँ पर इतना ख़राब कंडीशन होता है। आप देख पा रहे हैं ना -89 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ तो वहाँ पर एनिमल्स रहते होंगे, ऐसा तो नहीं कि -89 डिग्री सेल्सियस वहाँ कोई जानवर नहीं रहता होगा, ऐसा नहीं है, रहते होंगे। तो देखते हैं कैसे वो रह पाते हैं। एडेप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन, क्या पोलर रीजन्स के एनिमल्स का एडेप्टेशन है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि पोलर बियर के पास वाइट फर होता है, इसके कारण क्या होता है कि वो स्नोई वाइट बैकग्राउंड में इजली विजिबल नहीं हो पाते। वाइट फर के कारण क्या, वाइट स्नो भी वाइट होता है, वाइट उनका फर भी होता है, वो इजली बैकग्राउंड में हम लोग वो देख नहीं पाते हम लोग उन्हें। ओके, जो बॉडी टेम्परेचर होता है पोलर बियर्स का ये नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फर के थिक लेयर के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ब्लबर के कुछ इंसुलेटिंग लेयर भी होते हैं, टफ हाइड होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ना कि इनका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है, इनका टेम्परेचर इनके फर के कारण मेंटेन रहता है। ओके, ये जो एक्सीलेंट इंसुलेशन है ये पोलर बियर को एकदम वार्म रखता है, गर्म रखता है। इवन तब उस समय भी जब एयर टेम्परेचर जो ये -37 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब इनका एक एवरेज शरीर का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है उस समय भी ये जो एक्सीलेंट इंसुलेशन है ये पोलर बियर को गर्म ही रखता है। सो
जो पोलर बियर होते हैं वो इतने अच्छे इंसुलेटेड होते हैं कि वो हमेशा गर्म ही रहते हैं। ये धीरे धीरे मूव करते और अक्सर ये कूल डाउन करते हैं। गर्मी के दिनों में ये अक्सर रेस्ट करते रहते हैं, ओके, कूल डाउन करते हैं अपने आप को और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद भी ये रेस्ट ही आराम ही करते रहते हैं। पोलर बियर जो है वाटर में स्विमिंग के दौरान या स्विमिंग में जब वाटर में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं, ओके। पोलर बियर का जो फ्रंट पंजा बोल सकते हैं, उनका फ्रंट का जो पंजा होता है वो वाटर को आगे बढ़ाता है स्विमिंग के लिए। जो हिंद फीट और लेग्स होते हैं ये फ्लैट हो जाते हैं और इसे रडर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, पतवार के रूप में यूज़ किया जाता है, ओके। दूसरे एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि पोलर रीजन में अडेप्टेड होते हैं पोलर रीजन के अनुसार, तो उस प्रकार में कौन आते हैं, तो पेंगुइन। पेंगुइन के पास फीडर्स होते हैं जो कि एक्सट्रीमली एंड डेंसली पैक्ड होते हैं और इनके पास, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, वो डेंसली पैक्ड होते हैं, ओके। ये उन्हें कोल्ड के अगेंस्ट में एक अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। एक फीडर के पास एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसके पीछे, सो वो क्या कर सकते हैं, अपने फीडर्स को अप फ्लफ कर सकते हैं, ठीक है, अपने फीडर्स को वो कैन फ्लफ देयर फीडर्स अप। ये जो है ना ठंडे के टाइम में, क्योंकि पोलर रीजन तो ठंडा ही होता है, तो उस समय उन्हें गर्म रखता है और उन्हें कूल ऑफ करने के लिए अलाउ करता है जब वेदर जो है ये वार्म होता है, जब वेदर गर्मी होता है, जब वेदर में गर्मी होता है तो ये कूल ऑफ करने के लिए उन्हें अलाउ करता है। देखिए पेंगुइन्स यहाँ पर कितने अच्छे लगते देखने में, ओके। पेंगुइन्स के पास एयर स्पेसेस नहीं होता उनके बोन्स में जिस प्रकार से नॉर्मल बर्ड के पास होता है, ये उन्हें वाटर में डूबने में हेल्प करता है, सिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। उनके पास ब्लबर का एक लेयर होता है फैट का, उनके स्किन के बीनीथ में, पीछे में आप बोल सकते हैं, जो कि उन्हें वार्म रहने में हेल्प करता है। एक स्ट्रीमलाइन बॉडी, एक पैडल लाइक फीट हेल्प टू स्विम अंडर वाटर। देखिए एक स्ट्रीमलाइन बॉडी और एक स्ट्रीम पैडल लाइक फीट जो उन्हें वाटर के अंदर स्विम करने में हेल्प करता है। देखिए स्टूडेंट जब आप आगे क्लासेस में जाइएगा ना, तब आप लोग स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोग देखते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये जनरली इक्वेटर के नियर में पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये जनरली इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनमें बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज का घर होता है, एनिमल्स के घर होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोमास कंबाइन होते हैं एक साथ, ओके। इंडिया में कुछ फॉरेस्ट ऐसे पाए जाते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील, युगांडा, नाइजीरिया में ऐसे कुछ फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं। जो अमेजॉन जंगल है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जंगल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ओके। जो फॉरेस्ट कवर है ये अमेजॉन के बेसिन को कवर करता है और सबसे बड़ा, मतलब ये वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे वर्ल्ड का सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ओके। सेंट्रल अफ्रीका जो है ये वर्ल्ड को, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेन को, रेन फॉरेस्ट को होल्ड करता है। सेंट्रल अफ्रीका में है ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो है ये कैटराइज्ड होते हैं हाई रेनफॉल के कारण, ठीक है। इसके अक्सर क्या होता है ना कि लीचिंग के कारण, मतलब कि सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स के लीचिंग के कारण ये पुअर सॉइल में रिजल्ट करता है, ओके। रेन फॉरेस्ट जो है ये लिविंग एनिमल्स के लिए होम है, जितने भी लिविंग एनिमल और प्लांट के स्पीसीज है अर्थ में उनके 2/3 के लिए जो घर है ये रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ओके। ये एस्टिमेटेड है कि मैंने 100 मिलियंस ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स जो है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये अनडिस्कवर्ड है, ठीक है, और ये अननेम्ड है साइंटिस्ट के द्वारा, ओके। टेम्परेचर ऐसे रीजन में, इनका टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू क्या है, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरे ईयर ऐसा ही रहता है। जो एवरेज टेम्परेचर होता है 3 वार्मेस्ट और 3 कोल्डेस्ट मंथ, ये 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफर नहीं करता है। प्रेसिपिटेशन जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ईयर एक एवरेज रेनफॉल के साथ, मतलब कि एक एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है जो कि एक्सीड करता है 2000 मिलीमीटर को, ओके, एमएम। इंडिया में जो फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो वो हम लोग देते हैं। इंडिया में ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, असम में। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये किसके लिए घर होते हैं, तो मंकीज के लिए, एप्स के लिए, गोरिल्लास के लिए, लायंस, टाइगर्स, लिजार्ड, एलिफेंट्स, ल्यूपर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए घर होते हैं, ओके। एनिमल्स जो इन फॉरेस्ट में रहते हैं ये इन एरियाज के लिए अडेप्टेड होते हैं, जो कि रेंगिंग करते, रेंगिंग फ्रॉम ट्रीज टू लेक्स एंड एनिमल ग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन बाय एनिमल्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या क्या एडेप्टेशन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स के द्वारा।
एक ऐसा एनिमल जो कि गुड एग्जांपल ऐसे एडेप्टेशन के लिए प्रोवाइड करवाता है वो है रेड आइड फ्रॉग। ओके, जो लॉन्ग लिम्स होते हैं इस फ्रॉग्स के, ये स्विमिंग से क्लाइंबिंग के लिए ज़्यादा सूटेड होते हैं। इनका दूसरा फीचर ये होता है कि चूसने वाला पैर्स होता है इनके फीट में। ओके, सकल पैर्स होते हैं इनके फीट में। ओके, जो पैर्स होते हैं ये फ्रॉग्स को वेरियस ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टिक करने के लिए हेल्प अलाउ करता है, और इसके साथ साथ ये वेट लीव्स मतलब सूखे पत्ते और ब्रांचेस में बेटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है। मंकी भी जो है गुड एग्जांपल एडेप्टेशन के लिए। कुछ मंकीज के पास लॉन्ग प्रेहेंसल टेल्स होता है ब्रांचेस को ग्रैप्सिंग करने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए। उनके जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं ये उन्हें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाने में, स्विंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, उनके फिंगर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, टॉयज एक तरह से हुक का काम करते हैं और उन्हें ब्रांचेस पे एक अच्छा होल्ड जमा पाते हैं उनकी हेल्प से वो। ओके, जो लायन टेल्ड मैक्यो है ये मीडियम साइज मंकी है, शाइनी ब्लैक फर के साथ और लॉन्ग ग्रेश वाइट हेयर, उसके फेस के अराउंड में आसपास में लॉन्ग ग्रेश वाइट हेयर होते हैं, लंबे लंबे हेयर होते हैं। ठीक है, हल्की देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लायन टेल्ड मैक्यो को। ओके, अब इनका नाम कैसे हुआ, तो इसका नाम जो है लॉन्ग टेल के कारण हुआ, जिसके पास टैसल होता है एंड में एक लायन के जैसा एक टैसल होता है एंड में। ओके, जो मंकीज है ये 7 डिफरेंट वोकल्स पैटर्न को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, ये जो मंकीज होते हैं इनके पास चिक पॉज होता है जो कि उनके लोहर टीथ के बिसाइड में ओपन होता है और ये नेक के साइड तक एक्सटेंड होता है नीचे में। ओके, जब ये फुल्ली एक्सटेंडेड होते हैं तो ये जो पॉजेज होते हैं ये उनके स्टमक कैपेसिटी के जितना ही एक फूड के अमाउंट को स्टोर कर सकते हैं। ये फूड को क्विकली गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने हैंड से और प्रॉम्प्टली जो है अपने पॉचेज में डाल लेते हैं, स्टफ कर लेते हैं। ओके, जब इनके पॉचेज फुल हो जाते हैं तो वो रिट्रीट करते हैं फॉरेस्ट के अपर कैनोपी पे और लीजली उसे खाते हैं, ईट करते हैं। ओके, शांति से खा पाते हैं। जो लार्ज बीक है टोको टोकन का, ये परफेक्ट है फ्रूट को पिक करने के लिए। इसके पास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बीक होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है और डीप ऑरेंज होता है कलर में। लेकिन टोको टोकन का ये बीक आप साफ यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ओके, ये एक लार्ज ब्लैक स्पॉट इसके टिप के नियर में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा आपको लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप अपने आप देखिए कितना अच्छा लगता है इनका बीग जो होता है। ये इस बीग को फ्रूट को स्किन करने में हेल्प करते हैं और उसे खाते भी है इसके हेल्प से और वाटर भी इसे पीते हैं। और जो बिग कैट्स होते हैं जैसे कि लायन टाइगर ल्यूपर्स, ये प्रीडेटर्स जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रूल करते हैं, ये प्रीडेटर्स होते हैं। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था कि पेंगुइन किससे बचते थे, प्रीडेटर्स से। प्रीडेटर्स के बारे में आप लोग जान गए। अब इनके पास फ्लेक्सिबल बॉडीज होता है जो कि रनिंग के लिए डिज़ाइंड होता है, जंपिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए डिज़ाइन होता है। इनके जो इंटेस्टाइंस होते हैं इतने छोटे होते हैं कि ये सिर्फ मीट को ही डाइजेस्ट कर पाते, वेजिटेबल मैटर को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इनके जो शार्प टीथ होते हैं सीजर्स जैसे जो टीथ होते हैं ये फ्लेश को टियर करने में हेल्प करते हैं। ओके, ज़्यादातर जो बिग कैट्स होते हैं ये हंट करते हैं नाइट में, डार्क में। ओके, और ह्यूमन से 6 गुना अच्छा ये देख पाते हैं, 6 times बेटर देन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग से अच्छा ये 6 गुना अच्छा ये देख पाते हैं। इनके पास लार्ज फील्ड होता है विजन के लिए, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स की तरह कलर्स को नहीं देख पाते। जैसे हम मैंने बोला कि वहाँ पर ऑरेंज कलर्स आप देख पा रहे हैं, वो ऐसे कलर्स को नहीं देख पाते हैं। अब देखते हैं एलिफेंट के बारे में। जो एलिफेंट होता है ये कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होता है एक रिमार्केबल वे में। ओके, इनके जो नोज होते हैं और अपर लिप जो होता है ये लॉन्ग टर्म को फॉर्म करने के लिए फ्यूज होता है, जिसके पास लगभग 1,50,000 मसल्स होते हैं। ओके, जो वर्सेटाइल ट्रंक होता है ये हैंड के रूप में काम करता है लो ग्रोइंग सब्स को ग्रैस्प करने के लिए, दूसरे फूड मटेरियल्स को ग्रैस्प करने के लिए और उसे अपने माउथ में डालने के लिए। देखिएगा, आप लोगों ने इस चीज़ को गौर किया होगा कि जब तक कभी हाथी को देखा होगा, एलिफेंट को देखा होगा, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, उनका जो सूंड होता है ना उससे वो चीज़ों को लेते हैं, उसके बाद वो अपने माउथ में डाल लेते हैं। ओके, तो यही यहाँ बोला जा रहा है, ये जो ट्रंक होता है ये उनके लिए आम के रूप में काम करता है, ट्री ब्रांचेस को तोड़ने के लिए। ओके, ब्रीथिंग के लिए जब एलिफेंट्स बॉडी सबमर्ज्ड होता है। ओके, एलिफेंट्स जो है अपने ट्रंक्स को वाटर को सक करने के लिए, वाटर को ड्रिंक करने के लिए भी
चंक्स को यूज करते हैं और अपने बॉडीज पे बाथिंग नहाने के समय क्या करते हैं ना कि वो अपने बॉडीज पे इन सभी चीज़ों को छिड़कते हैं पानी को, ऐसे ही वो नहाते भी है खुद, ठीक है, खुद वो नहा लेते हैं। नॉस्ट्रिल्स इनके ट्रंक के टिप पे होता है, ये एलिफेंट्स को ऑडियोस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ऑडियोस मतलब जो गंध होते हैं, दुर्गंध होते हैं, उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। उनका आईसाइट जो है पुअर होता है, तो जो एलिफेंट्स है ये वाटर को ग्रेटर डिस्टेंस से ही स्मेल कर पाते हैं और वो साउंड्स को लगभग 1.5 किलोमीटर से दूर से ही सुन पाते हैं। ओके, कितना दूर का है ये डिस्टेंस। जो टस्क होते हैं एलिफेंट के, ये लार्जेस्ट होते हैं, हैवीएस्ट होते हैं एक इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के तितके। ओके, चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टूडेंट्स ये चैप्टर पूरा होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस ला जाता हूँ। और स्टूडेंट्स एक बात और, आप लोग सोशल साइंस के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, दैनिक सपना ये सब पे वीडियोस अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ओके, और इंग्लिश वीडियोस के वीडियोस को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।